नमस्कार दोस्तों, आर ट्यूटोरियल की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली जो तीन वीडियो होंगी वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, जो आर ट्यूटोरियल के ऊपर थी, तो आपने आर के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। तो इस चौथी वीडियो के अंदर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डाटा सेट के अंदर वन वे अनोवा लगा सकते हैं, और क्या कहते हैं, डाटा सेट किस तरीके से तैयार करके हमको आपको देना है और किस तरीके से वो उसके अंदर अनोवा लगाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पहले आपको डाटा सेट दिखा देता हूँ किस तरीके से है। तो ये मैंने एक एक्सेल पे डाटा सेट तैयार किया, जिसके अंदर एक कंसंट्रेशन लिया, 6 डिफरेंट कंसंट्रेशन है 3 ड्रग्स की। तो ये इसकी परसेंट मोर्टिलिटी शो की हुई है, तो ड्रग्स ए की, ड्रग बी और ड्रग सी। और ये जो फर्स्ट ए में दे रखा है, ये इसका कंसंट्रेशन दे रखा है। तो किस तरीके से इसको हम अपने आर में यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। तो आर खोलता हूँ मैं सबसे पहले, तो ये मैं कम कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, जिससे कि ज़्यादा समय ना लगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं सेट डब्ल्यू डी कमांड द्वारा अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करूँगा। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से सेट करते हैं, और गेट डब्ल्यू डी कमांड द्वारा चेक करूँगा कि वही वर्किंग डायरेक्टरी सेट हुई है जो कि मैंने असाइन की है। नहीं, फिर मैं लाइब्रेरी द्वारा रीड एक्सेल पैकेज को रन कराऊंगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आपको जब भी आर फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, फर्स्ट टाइम इन द सेंस कि जब भी आप आर ओपन करेंगे, तो आपके अंदर जो डिफरेंट पैकेजेस हैं आपको लाइब्रेरी कमांड द्वारा रन कराना होगा, अगर आप उन पैकेजेस के अंदर दिए हुए फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो मैं रीड एक्सेल को रन कराता हूँ, जिससे कि जो इसके अंदर फंक्शंस हैं वो रन हो सकें। फिर रीड एक्सेल एस जो फंक्शन है उसको रन करा के मैं जो एफिकेसी वाली जो मेरा फोल्डर है एक्सेल का, उसको मैं रन कराऊंगा। तो ये इस तरीके से रन हो जाएगा और ये यहाँ आ गया। यहाँ फिर मैं एफिकेसी नाम से एक वेरिएबल असाइन करूँगा, जिसके अंदर रीड एक्सेल द्वारा जो एफिकेसी जो मेरा एक्सेल का फोल्डर है वो उसको रन करेगा, और उसके अंदर भी उसको क्या करना है, शीट नंबर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसने शीट नंबर 1 को बाय डिफॉल्ट ये लेता है। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, शीट नंबर 2 को असाइन करना होगा। जैसे ही मैं शीट नंबर 2 को करूँगा, तो इसने एनवायरमेंट में एफिकेसी नाम से एक वेरिएबल असाइन कर लिया, और ये इस तरीके से इसने इसको रन कर लिया। जो मैंने आपको दिखाया था वो डाटा सेट इन्होंने इस तरीके से ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो एफिकेसी जो वाला फोल्डर है जो मैंने वेरिएबल असाइन किया है, उसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, जिससे कि मुझे इसके अंदर जो वेरिएबल हैं बार बार उसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं इसके अंदर जो अपना डाटा है, मुझे खाली ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी जो वेरिएबल है उनके जो है उससे ही काम है। तो मैं इसके अंदर क्या कहते हैं उसको फिर से रन कराने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, तो ये कंबाइंड नाम से एनवायरमेंट के अंदर मेरा एक वेरिएबल असाइन हो गया, और ये इसके क्या कहते हैं कंसंट्रेशन को लेफ्ट करके इसने ड्रग बी सी के ऑब्जर्वेशन इसने ले लिए। उसको करने के मुझे अगर अनोवा लगाना है तो अपने डाटा को स्टैक करना होगा, और डाटा को स्टैक करने के लिए मुझे स्टैक कमांड यूज़ करना होगा। और स्टैक कमांड को मैं क्या करूँगा, स्टैट अंडरस्कोर डाटा नाम से एक वेरिएबल असाइन करूँगा, और जो कंबाइन ग्रुप था उसको स्टैक फॉर्म में ले आऊँगा। स्टैक फॉर्म में डाटा किस तरीके से दिखाई देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ही लाइन में अरेंज हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू एक कॉलम के अंदर आ गई हैं, और जो मेरे वेरिएबल थे इंडिविजुअल वो क्या कहते हैं दूसरे कॉलम के अंदर आ गए हैं। तो ये अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा, जो कॉलम 1 है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 10 से लेकर 100 तक हैं, और जो कॉलम 2 है वो फैक्टर वेरिएबल हैं, और उसके अंदर जो है तीन आपके लेवल हैं, ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को स्टैक भी कर सकते हैं आर के अंदर। जब डाटा स्टैक हो जाएगा तो मुझे AOV कमांड यूज़ करनी होगी। अनोवा के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो AOV कमांड यूज़ करते हैं, और यहाँ जो मैंने किया है अनोवा अंडरस्कोर रिजल्ट, ये एक वेरिएबल असाइन किया है जिसके अंदर AOV कमांड रन होगी,
और इसमें क्या होगा, वैल्यूज और इन जो आई एन डी जो फैक्टर वेरिएबल है वो इसके अंदर आएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने दे दिया किस किस के बीच में अनोवा लगाना है, वैल्यूज और आई एन डी के बीच में, और डाटा कहाँ से, डाटा कैसा है, डाटा की फॉर्म कैसी है, स्टैक डाटा है, मतलब डाटा कहाँ से लेना है उसको, स्टैक डाटा वेरिएबल से लेना है। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर अनोवा रिजल्ट नाम से एक और वेरिएबल असाइन हो गया जिसके अंदर 13 डिफरेंट है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रीडेबल नहीं है, आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे, वैल्यूज तो उसके अंदर दी हुई हैं पर आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो उसको रीड कराने के लिए मुझे समरी कमांड यूज़ करनी होगी। तो समरी कमांड को क्या करते हैं, जो स्टेटिक्स होती है उसको दिखाने के लिए समरी कमांड यूज़ होती है। जैसे ही मैं समरी को यूज़ करूँगा तो जो मेरी आप देखेंगे जो कंसोल है उसके अंदर आपको दिखाई देने लग जाएगा जो भी इसका रिजल्ट होगा। तो ये जो इसके अंदर रिजल्ट है वो यहाँ इसने शो कर दिया है, जिसके अंदर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली है, ये सम ऑफ स्क्वायर है, और ये मीन स्क्वायर वैल्यू है इनकी, और इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है जो एफ वैल्यू है वो आपकी 2.204 है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.145 है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जनरली देखा जा रहा है कि ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है पर कुछ लेवल तक सिग्निफिकेंस है। और अच्छी तरीके से आपको देखना है तो आप इसके बीच में बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, और बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए बॉक्स प्लॉट कमांड को यूज़ करेंगे जो कि बेस पैकेज में ही आती है, और उसके अंदर हमें कौन सा जो वेरिएबल असाइन किया था कंबाइंड ग्रुप वाला, स्टैक्ड वाले को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टैक्ड वाले में क्या होगा, एक्स एक्सेस अलग लेगा और वाई एक्सेस अलग लेगा, तो इसलिए हमें कंबाइंड ग्रुप वाले को हमने किया जिसमें एक्स और यहाँ पर जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है उसको भी मैंने लेबल कर दिया है कि एक्स के जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या क्या है ड्रग्स नाम से असाइन किया जाए, और जो वाई है उसका लेबल क्या होना चाहिए, मीन परसेंट मोर्टिलिटी होनी चाहिए, और जो कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर मेरा बॉक्स प्लॉट रन, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करूँगा बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मेरा बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हो गया। अब इस बॉक्स प्लॉट को देख के आप इजीली लगा सकते हैं कि जो इसके अंदर सबसे इफेक्टिव ड्रग्स है वो ड्रग सी है, दूसरे नंबर पे जो है आपका सॉरी सबसे इफेक्टिव ड्रग है वो ड्रग बी है, और जो कम इफेक्टिव है वो ड्रग सी है। तो जो ये बॉक्स प्लॉट तैयार हो के आया है इसके अंदर आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि ड्रग बी और ड्रग सी में सिग्निफिकेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ड्रग ए, और क्या कहते हैं अगर हम ड्रग ए को ड्रग बी के साथ कंपेयर करते हैं तो इनके अंदर जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो कम है, और इसी तरीके से ड्रग ए को ड्रग सी के साथ कंपेयर करते हैं तो इनके अंदर भी जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा अधिक नहीं है, पर सबसे इफेक्टिव ड्रग आपकी कौन सी है, ड्रग बी है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को आर द्वारा ले सकते हैं। आप इसको मैं समरी कमांड का बता रहा था, अगर समरी कमांड आप यूज करेंगे तो वो हर एक उसका जैसे कि मैं कंबाइंड डाटा का लेना चाहूँ तो कंबाइंड ग्रुप करके करूँगा तो उसका भी आपको सारा कुछ बता देगी, मीन परसेंट मोर्टिलिटी। तो ये आपको डिफरेंट ड्रग ए ड्रग बी के मीन मिनिमम वैल्यू बता दी, फर्स्ट क्वार्टाइल बता दिया, मीडियन बता दिया, इसका मीन कहाँ आएगा, थर्ड क्वार्टाइल क्या आएगा और मैक्सिमम क्या आएगा, ये सारा आप समरी कमांड द्वारा देख सकते हैं। तो ये जनरली स्टैट्स शो करने के लिए होता है। तो होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे भी बना सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।